फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आए हुए हैं लालगढ़ का किला, जिसे पालकोट किला या नागवंशी राजाओं का किला भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इस फोर्ट के बचे खुचे हिस्से को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अनुराग, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आए हुए हैं नागवंशी राजा का एक और किला, जो गुमला के पालकोट में है। और एक पिछला बार मैं आया हुआ था, जो क्या नाम था उसका, सिसई का नवरत्नगढ़, ये उसी के टाइम का बना हुआ है, उससे भी छोट हो सकता है, थोड़ा पुराना ही हो। नागवंशी राजाओं का है तो कम से कम 500 साल तो होगा ही इसका, पूरा तरह से खंडर बन चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आसपास के जगह को, और ऐसे देख के तो काफ़ी बड़ा एरिया में कवर किया हुआ है ये जगह, ये किला। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने बताया था कि अभी हम लोग आए हुए हैं लालगढ़ का किला पालकोट में जो है, और यहाँ पे इसका हिस्ट्री 500 से 600 साल पुराना होगा। तो हम लोग यहाँ पे दो महल हैं और एक छोटा सा गुंबद टाइप का बना हुआ है, सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे और उसके आसपास की भी जगह को देखेंगे, कैसे यहाँ पे आ सकते हैं ये सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सैनिक रहते होंगे, घोड़े रहते होंगे, राजा के स्टाफ रहते होंगे, और अभी केवल जानवर रहते हैं। बाकी कुछ कलाकृतियाँ आप लोगों को दीवार में दिख रही होंगी, जो कि यहाँ के लोग किए हैं, मल्टी टैलेंटेड है यहाँ के लोग। मस्त जगह तो बहुत अच्छा है, अगर इसको अभी भी अगर डेवलप किया जाए तो एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता है। ये मेरे साथ एक आए हुए हैं चंद्रभान, अब इससे हम पूछते हैं कि इसको कैसा महसूस हो रहा है। तो भाई आप बताओ कि यहाँ पे जो आए हो, ये कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा अलौकिक दृश्य है। इसमें यही है कि यही खासियत है कि इसको ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, जो जिससे कि नागवंशी राजाओं का है, नागवंशी राजाओं के द्वारा ये निर्मित किया गया था, जिसमें कि अभी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। तो हम लोग बस उसी को देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक दो तीन चार हिस्सा में ये बटा हुआ है, और इधर से एक दो तीन, इधर से भी चार, मतलब 16 कमरा यहाँ पे होगा, बड़ा बड़ा। बस यही है। तो इसके पीछे एक और महल है, तो चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं और फिर उसको देखते हैं। ये है मेन गेट, गेट का चौड़ाई लगभग 30 इंच का है। 30 इंच अभी के टाइम पे गेट जो बनता है, वो मतलब जो दीवार दिया जाता है, वो 10 इंच का मैक्सिमम होता है। और ये देखिए 30 इंच का दीवार, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितना मोटा होगा। और यहाँ पे देखिए, ये दीवार का ही हिस्सा है जो कि टूट चुका है। और इसके बाद ये रहा महल, किला बोलिए, महल बोलिए, 500 साल पुराना चीज़ है। अभी तक ये अवशेष, अगर इसको सही से मेंटेन किया हुआ रहता तो हो सकता था ऐसा स्थिति नहीं होता, मगर ठीक है। ये किला जो है, वो आपका जो पिठोरिया किला था, उसका भी लगभग सेम स्थिति हुआ है। और यहाँ देखिए, छत का जो मोटाई है, छत की मोटाई कम से कम भी होगा तो 10 से 12 इंच होगा, मतलब जितने मोटे अभी दीवार दिए जाते हैं उतने मोटे छत हुआ करते थे। और ना बिना किसी सीमेंट गारे का यूज किया होगा, इतना मोटा, मतलब अलग ही तरह का एक टेक्नोलॉजी होगा यार। ये मेन महल लग रहा है, क्योंकि वहाँ से एंट्री है, तो हो सकता है वहाँ सैनिक लोग रहते होंगे या राजा के गार्ड रहते होंगे। और ये मेन महल है, काफ़ी पुराना है, टूट चुका है। चलिए जाके देखते हैं, अगर अंदर जाने लायक होगा, जगह पॉसिबल होगा तो चलते हैं। पूरा गिर चुका है। अब यहाँ देखिए, यहाँ के लोग कितने टैलेंटेड हैं, जगह जगह पे दीवारों पे कलाकृतियाँ की हुए हैं। खंडहर, असली खंडहर इसी को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, देख के तो लग रहा है कि कम से कम 30-40 कमरा का रूम होगा, और सीढ़ी भी है, मगर सीढ़ी का स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है, जाना रिस्की हो सकता है, तो ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। यह है आपका एक फ्लोर, दो फ्लोर,
फिलहाल दो फ्लोर इसका दिख रहा है और मे बी कुछ एक आध फ्लोर और हो सकते हैं। इसके दूसरी ओर सब हम इसको देखते हैं। लालगढ़ का किला, नौरतनगढ़ था एक और ये लालगढ़ है, दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग 50 से 55 किलोमीटर होगा। देखिए ये डिजाइन दिया गया है। पांच सौ साल पहले भी ईटा का यूज करके घर बनाया गया है तो बहुत बड़ी बात है ये तो, है ना। मतलब यार यहाँ पे इतने सारे प्लेस हैं झारखंड में, मुझे लगता था कि हमारे आसपास कोई फोर्ट कोई किला क्यों नहीं है, लेकिन जब पता चला तो यहाँ पे इतने सारे फोर्ट हैं 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में, मगर उसका देख रेख कुछ है ही नहीं। अब यार अब सोचो कि इतने ज्यादा चीज इतिहास हमारे झारखंड में गुमला में है और उसके बाद इसका कोई रखरखाव है ही नहीं, कोई देखरेख है ही नहीं। हमको लगता है कि कम से कम ये दोनों जगह को मिला के आराम से 50 से 60 कमरा जरूर होगा। लालगढ़ का ये किला, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है बेचारा। नागवंशी राजा जो होते थे वे लोग सिंपल अपना महल बनाया करते थे। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और अपने इतिहास अपने हिस्ट्री से जुड़ सकते हैं। देखो यार ये सब हमारे हिस्ट्री से हमको जुड़ाता है और इतना इम्पोर्टेंट चीज़ का इस तरह से इंसल्ट करना ये सही नहीं है। बाकी मुझे तो सब सिर्फ प्लेस दिखाना है और आप अपना रिव्यू दीजिए कैसा प्लेस है, किस तरह का हुआ करता होगा आज से 500 साल पहले, मतलब पहले जब यहाँ पे राजा महाराजा रहा करते होंगे उस टाइम का माहौल सोचो कि कैसा होता होगा। उम्मीद है आप लोग ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। गुमला के पालकोट के लालगढ़ का ये किला और झारखंड राज्य, ये है मेन गेट, छोटा सा गेट है। एक वहाँ पे भी एक कुछ है, चलिए वहाँ पे देखते हैं उसके बाद फिर हम लोग लौटेंगे। पे पहाड़ है और यहाँ पे एक ढांचा बना हुआ है, पता नहीं ये शायद मंदिर है या क्या है या हो सकता है गुंबद होगा। और यहाँ पे है किला लालगढ़ का किला, वो मेन किला है और वहाँ वाला जो है वो फ्रंट के पास था, मेन गेट के पास। तो अभी हम लोग इस वीडियो को देखे हैं, पसंद आया तो शेयर कीजिए और यहाँ पे आइए। इसका लोकेशन आपको गूगल मैप में मिल जाएगा, सही दिखाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ लालगढ़ का ये जो किला है इसे देख के आपको अच्छा लगा होगा और अपनी हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री इतना पुराना है, नागपुर छोड़ा नागपुर क्षेत्र का राजाओं के बारे में आप देखे हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं, नागवंशी राजाओं के थे यहाँ पे, उनसे जुड़ा हिस्ट्री है, तो इसको देख के अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, टेक केयर।